कांग्रेस रो शेहजादा एबे आउ मंदिर कथा कहुनांती जदुवंशी रो नारे राजनीति करुथवा लोके मो द्वारका पूजाचन को विरोध करथिले सेमानकर जहा कहिबार अछि कहंतु मोदी द्वारकाधीश को पूजा करे बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश रो धरोहरा रे निर्वाचन सभा रे जोग देई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी कांग्रेस एवं ईडी मेंट को जोरदार समालोचना करबा सहित बीजेपी को वोट देबाकु अपील करिसंती। सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए, और इसने मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपिंच वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब ये कांग्रेस के शहजादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे,